नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी है या नहीं, इसके बारे में हम कौन सी ऐसी परीक्षाएं जांच कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है एक कपल में, हस्बैंड्स की वजह से भी हो सकता है। तो पहले तो ये जान लीजिए, जब एक कपल हमारे पास आता है, वाइफ के इन्वेस्टिगेशन के साथ हस्बैंड का इन्वेस्टिगेशन भी अवश्य किया जाता है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आप अपने वाइफ को भेज देंगे, टेस्ट करा लेंगे तो काफी है। नहीं, आप दोनों को आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो आपको आना चाहिए, हस्बैंड को भी आना चाहिए। और जब हस्बैंड के सारे टेस्ट करते हैं तब ये पता लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे, ताकि हम आपको सोल्यूशन दे सके, ताकि हम आपको ये बता सके कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा काम करेगा। सो सबसे पहला है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि आपके कोई बीमारियां हैं क्या, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, पहले कोई सर्जरी हुए क्या, जैसे कि वैरिकोसील हुआ या हर्निया हुआ, ऐसे कोई सर्जरीज हुए हैं क्या। शायद कई लोगों को पहले शादी में कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो ये हुआ है क्या, कभी अबॉर्शंस हुए हैं क्या आपके वाइफ को। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब हम निकालते हैं तो ये पता लगता है कि जो ये इनफर्टिलिटी का कारण है शायद इस कारणवश हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है। यूरोलॉजिस्ट देखेंगे कि टेस्टिस ठीक है क्या, पेनिस ठीक है क्या, पेट में सब कुछ ठीक है क्या, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा देखा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीमन एनालिसिस। तो जब एक कपल आता है, वाइफ के तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट पुरुषों के लिए होता है सीमन एनालिसिस। इसमें वॉल्यूम क्या है, काउंट क्या है, मोटिलिटी कैसा है और आकार कैसा है, ये सब हम देखने की कोशिश करते हैं। और अगर ये कम हो, इनमें से कोई भी फैक्टर्स कम हो, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इस कारणवश प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। अगर बहुत सारे कारण है तो सारे कारणों का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन सीमन एनालिसिस हमेशा आपको कराना चाहिए, इसके बाद ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगला है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में कैरियोटाइपिंग नामक एक टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स को देखा जाता है, क्या कहीं डबलिंग हुआ है, क्या कहीं कम क्रोमोसोम्स है, क्या ऐसा है कि क्रोमोसोम का एक भाग चला गया हो, क्या इन्वर्शन हुआ है, उल्टा हो गया क्रोमोसोम। ये सारे कारणवश भी ऐसा हो सकता है कि नंबर्स में या हरकत में या मोटिलिटी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये भी जांचा जाता है। इसके बाद स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग किया जाता है, स्क्रोटम का, टेस्टिस का जो है स्कैन किया जाता है। इससे हमें ये अनुमान लगाया जाता है कि टेस्टिस में वैरिकोसील तो नहीं है, क्या वहाँ के वेन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से हीट ज़्यादा होने की वजह से सीमेनालिसिस में प्रॉब्लम आ रहा है। सो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है हार्मोन टेस्ट। हार्मोन टेस्ट कभी कभी इसलिए किया जाता है कि ये देखने के लिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ये सारे हार्मोन्स ठीक है क्या। ये सारे हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर इनमें कोई भी हार्मोन ऊपर नीचे रहा, ठीक नहीं रहा, सही वैल्यूज नहीं रहे, तो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हार्मोनल टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, इसे भी आपको अवश्य कराना चाहिए। कुछ ऐसे स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं, जैसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। ये टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि अबॉर्शंस हुए या पहले ट्रीटमेंट साइकिल्स फेल हुए हैं, जैसे आपने IUI कराया फेल हुआ, IVF कराया फेल हुआ, IVF में आपके एम्ब्रियोज अच्छे नहीं आए, या पहले अबॉर्शंस मिसकैरेजेस हुए हैं, या प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, डायबिटीज है, वेट ज़्यादा है, ये सारे इंडिकेशंस अगर हों तो DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स नामक एक टेस्ट किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि DNA जो स्पर्म के अंदर होते हैं उसमें कोई डिफेक्ट है क्या, डिफेक्ट की वजह से शायद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है आपको, इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये जब सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टेस्ट सबको किए जाते हैं, सीमन एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद बाकी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन टेस्ट हो गया, स्क्रोटल टेस्ट हो गया वैरिकोसील के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया अगर पहले कभी सर्जरी हुआ है, या टेस्टिस पेट के अंदर से नीचे नहीं उतरा है बचपन में, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल एग्जामिनेशन। सो सारे टेस्ट सबको नहीं किए जाते, बट सीमन एनालिसिस सबसे कंपलसरी टेस्ट है। इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए एज अ कपल ट्राई कर रहे हो तो अकेले अपने वाइफ को मत भेजिए, आप भी आइए, अपना सीमन एनालिसिस कराइए और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।